तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके फोन पर कोई भी कॉल आती है व्हाट्सएप पे तो आप उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी व्हाट्सएप की। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां से तो आपकी पूरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, लेकिन जैसे कि आपके फोन में नॉर्मली कॉल आती है और रिकॉर्ड होती है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मली कॉल कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे। तो उसके लिए कौन सा ऐप यूज में आने वाला है, सारा का सारा इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जिससे कि आप सब कुछ समझ सके, क्योंकि इस ऐप के अंदर कुछ सेटिंग्स आपको करनी होंगी, अगर आप देखोगे नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जिससे कि आप सब कुछ समझ सको। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो न किया, उसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हमें फॉलो जरूर कर लेना और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि दोस्तों वहां पर भी हम नई नई पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको लेके चलूंगा प्ले स्टोर में और बताऊंगा कौन सा ऐप यूज में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा रिकॉर्ड व्हाट्सएप कॉल्स एयरली एक्सेस। तो दोस्तों इसे ही आपको सर्च कर लेना होगा और आपको इसे ही डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड व्हाट्सएप करके शो हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये देख लीजिए नीचे एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको टैप कर देना होगा। फिर से आपको यहीं पर टैप कर देना होगा, फिर इसके बाद में एक यहां पर टिक करने के लिए बॉक्स शो हो रहा होगा। तो यहां पर आपको जो है टिक कर देना होगा। जब टिक कर दोगे फिर से आपको एक एरो शो होगा, तो इसी एरो पर आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो यहां पर जब आप फिर से क्लिक करोगे फिर यहां पर ग्रांट परमिशन पूछेगा। तो यहां पर आपसे चार परमिशन मांगेगा, यहां पर नेटवर्क एक्सेस, इंटरनल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड ऑडियो एंड कॉन्टैक्ट्स। अगर इनका एक्सेस आप नहीं देते हो तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको जो है ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर देना होगा। जब यहां पर आप क्लिक करोगे तो इसके बाद में अलाउ आपको कर देना होगा, फिर से अलाउ 3-4 बार यहां पर अलाउ करना होगा। फिर इसके बाद में यहां पर इनेबल सर्विस का ऑप्शन आएगा, तो यहां पर भी आपको टैप कर देना होगा। जब यहां पर आप टैप करोगे तो आपको जो है यहां पर डाउनलोड सर्विसेज का नीचे ऑप्शन शो होगा, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में यहां पर रिकॉर्ड व्हाट्सएप कॉल करके एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो यहां पर आपको टैप कर देना होगा। यहां पर एसेसिबिलिटी करके ऑप्शन आ रहा है, इसको इनेबल कर देना होगा, फिर अलाउ कर देना होगा। फिर इसके बाद में आपको बैक चले जाना होगा, जैसे कि मैं इसको बैक कर लेता हूं। इसके बाद में फिर से इनेबल सर्विस पर ऑप्शन आएगा, तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐप्स होंगे। तो यहां पर इन ऐप्स को ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको जो है रिकॉर्ड व्हाट्सएप कॉल करके फिर से एक ऑप्शन शो होगा, यहां पर इसको भी आपको इनेबल कर देना होगा। इसके बाद में यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए इसको सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड जैसे ही 0 होते हैं फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना, तो यहां पर आपकी टिक हो चुकी है। इसके बाद में आपको बैक कर लेना होगा, फिर यहां पर स्किप कर देना होगा। यहाँ पर इतना कुछ मैंने कर दिया, तो यहाँ पर आप कुछ एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नो रिकॉल रिकॉर्ड, यानी कि अभी हमने इसे यूज़ में लिया है तो यहाँ पर अभी तक कोई कॉल मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके मैं कुछ और फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाऊँगा, तो यहाँ पर ऑडियो सोर्स, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वॉइस रिंग रेजिग्नेशन, यहाँ पर ऑडियो सोर्स आपसे पूछ रहा है वॉइस रेजिग्नेशन पर क्लिक है। अगर यहाँ पर क्लिक होने के बाद में भी आपका वर्क कर रहा है तो कोई कुछ आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका नहीं कर रहा तो यहाँ पर डिफॉल्ट पर आप सिलेक्ट कर देना। अगर यहाँ से आपका वर्क कर रहा है तो आपको ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर पिन लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप जो है इस पर पिन लॉक भी लगा सकते हो, जैसे कोई रिकॉर्डिंग करो उसे कोई और ना सुन पाए, इसके लिए यहाँ पर पिन लॉक भी लग जाता है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक, अगर आप अपने इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा देते हो तब भी ये आपका काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कॉल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डर तो यूज़ नहीं कर सकता, मैं फिलहाल यहाँ पर अपने ही नंबर पर एक कॉल ऐसे टेम्परेरी लगा रहा हूँ। रिकॉर्ड लेकिन सामने के जाता हूँ, उसी ऐप में देखता हूँ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगा, जब तक सामने से बंदा कॉल को पिक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो गाइस जैसे ही आपकी कॉल उस दूसरे साइड एक्सेप्ट हो जाएगी वैसे ही आपका जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से ऑडियो कॉल ही रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आपको अपनी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करनी है उसके लिए आपको जो है XZ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर लेना होगा, X रिकॉर्डर, इसे भी आप सर्च कर लोगे आपको स्क्रीन
जो है मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों वही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो अगर आपको वीडियो कॉल रिकॉर्ड करनी है। अगर ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करनी है तो यही ऐप आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो इसी तरीके से सारी सेटिंग कर देना, ये आपकी सारी की सारी कॉल रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में इस ऐप के बारे में ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।